ओम गण गणपते नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करेंगे। इस पाठ में माता के द्वारा रक्त बीज के वध का वर्णन। अष्टम अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौर्य, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस और भयानक सेना को साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुख फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी कार्तिक, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप था, जैसे भूषण और वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति, वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए हुए सुंदर मोर पर आरूढ़ कौमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु जी की शक्ति, गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग और खंग हाथ में लेकर आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु जी की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहाँ पर आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह की शक्ति वहाँ पर आई। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली हजार नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहाँ पर आई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का तुम संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूं हूं नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव जी से कहा कि भगवान, आप दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महा अभिमानी शुंभ और निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मास से ये गीदड़ियां तृप्त हो जाएंगी। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया था। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महा असुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे, जहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकोर करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खंटवांग से कुचलती मारती, विचरण करने
लगी। इधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल के द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र के द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरम्भ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपने ताड़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराहा मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंगी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा और आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर की बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध आरंभ किया। तब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान ही था। जितनी भी रक्त की बूंदे पृथ्वी पर गिरी थी उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया। उसके रुधिर बह उठा, तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र के द्वारा उसे मारा, इंद्री ने गदा के द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्त्राव हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा के द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ और उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु और उन बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख में खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर शीर्ण होगा, इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल वज्र बाण तलवार रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार ये अष्टम अध्याय यही समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। जय माँ दुर्गे, जय माता दी।